आगे बढ़ते हैं। मोदी के खिलाफ महामोर्चा बनाने की तैयारी है। कल मुंबई में विपक्ष के दिग्गज जुटे तो सोमवार यानी कि परसों शरद पवार ने विपक्षी दलों की बड़ी बैठक बुलाई है। विपक्षी एकता को दिखाती हुई मुंबई की ये तस्वीर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तस्वीर भी बदल सकती है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। इसमें कांग्रेस के नेता भी हैं, लेफ्ट के भी, टीएमसी के भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला भी। इस तस्वीर की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि मोदी के खिलाफ देश में साझा मोर्चा बनाने की सुगबुगाहट दिखाई देने लगी है। 29 जनवरी को दिल्ली में शरद पवार ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। खास तौर पर मुझे खुशी इस बात की है कि कांग्रेस और एनसीपी में जो गलतफहमियां छोटी मोटी थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। हम एक साथ खड़े हो गए। अब जो अगली हमारी मीटिंग सबके साथ होने जा रही है उसमें हम एक डायरेक्शन बनाएंगे। शरद पवार साहब उसको लीड कर लेंगे और शरद पवार साहब के गाइडेंस में कांग्रेस को साथ लेके ये मामला आगे बढ़ेगा। 2014 में यूपीए में 12 पार्टियां थी। इसमें कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी, आरएलडी, जेएमएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख हैं। इन 12 दलों ने 540 सीटों पर चुनाव लड़ा और 60 पर जीत मिली। कल जितनी पार्टियों के नेता मुंबई की संविधान बचाओ रैली में शामिल हुए थे उनमें से लेफ्ट, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां 2014 में यूपीए का हिस्सा नहीं थी। अब शरद पवार की कोशिश मोदी के खिलाफ इन दलों को भी साथ लाने की है और फिलहाल ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जिससे ये दल एक साथ न आए। पिछले साल यूपी में कांग्रेस और एसपी का विधानसभा में गठबंधन हुआ था। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बढ़ते जनाधार को देखते हुए ममता की पार्टी अगर लेफ्ट से हाथ मिलाकर चुनाव लड़ती है तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि यूपी में बिना बीएसपी के साथ आए विपक्ष की ये एकता अधूरी रह जाएगी, लेकिन जिस तरीके का राजनीतिक माहौल देश में दिख रहा है उसमें कुछ भी असंभव नहीं दिखता। लिहाजा 2014 में एक भी सीट नहीं जीतने वाली मायावती क्या करेंगी इस पर नजर रहेगी। अपनी जमीन बचाने के लिए केजरीवाल भी इस गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। ओडिशा में बीजेडी की भी अच्छी स्थिति नहीं है, लिहाजा वो भी इस मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। वैसे ओवैसी कह रहे हैं कि वो तो इन लोगों के लिए अछूत हैं। भाई हम तो अछूत हैं बीजेपी के लिए भी और इन लोगों के लिए। नहीं मालूम जनाधारू पार्टी हमको बुलाएगी नहीं बुलाएगी, कहाँ बुलाएगी हम लोगों को। शरद पवार साहब कांग्रेस में नहीं है। अरे अबे वो क्या बोलेंगे लोगों को, बड़े आदमी है, हम गरीब की क्या जरूरत है इनको। कुल मिलाकर विपक्ष इस समय करो या मरो की हालत में है, इसलिए पूरी कोशिश ये है कि मोदी के खिलाफ देश में सीधी लड़ाई हो ताकि एनडीए को हराया जा सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष का समीकरण किस तरीके का बैठता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।